हिसार से लोकसभा चुनावी रण में कांग्रेस दिग्गज कुलदीप बिश्नोई ने जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार पर जोरदार हमला किया है। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने हिसार लोकसभा के उचाना हलके से बंपर जनसमर्थन मिलने की अपनी उम्मीद जाहिर की है। बेटी को हिसार लोकसभा के चुनावी रण में उतार कर कांग्रेस से दिग्गज कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि चुनावी बयार अब उनके पक्ष में बहने लगी है। इतने कम वक्त में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने सारे चुनावी समीकरणों को पलटने का काम किया है। कुलदीप कहते हैं कि मेरा ये बेटा किस्मत का धनी है और काबिलियत की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में हिसार की जनता अपने बेटे को दिल खोल कर आशीर्वाद दे रही है। बहुत जबरदस्त माहौल है। मेरे 32 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इस तरीके का जल्दी उठाव किसी कैंडिडेट के भी देखा नहीं। जनता का प्यार कह लो, भजन लाल जी का आशीर्वाद कह लो और भव्य की किस्मत कह लो, बहुत बढ़िया माहौल 9 के 9 हलकों में। हिसार के चुनावी रण में बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि उचाना की जनता से इस बार उन्हें रिकॉर्ड तोड़ जन समर्थन हासिल हो रहा है, जिसकी वजह उचाना की जनता का सरकार से गुस्सा है। खुद मंत्री केंद्र में, सरकार केंद्र में, उनकी वाई प्रेमलता जी विधायक विधायिका और स्टेट में सरकार इनकी, और इनका जो बेटा है वो IAS अफसर, उसके बावजूद भी अगर उचाना हल्का जो 45 साल के साथ है उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए तो लोगों को में गुस्सा वहाँ भी है और उसका इफेक्ट हिसार के अंदर आ रहा है। और जहाँ तक हिसार जिले की बात है, इसमें लोग कहते हैं भाई इसका छोरा तो IAS अफसर है, सिर्फ दिल्ली का है और दुष्यंत चौटाला है सिरसे का, हम तो लोकल आदमी बनावांगे। कुलदीप बिश्नोई अपने इस चुनावी अभियान में जननायक जनता पार्टी को भी निशाने पर ले रहे हैं। कुलदीप कहते हैं कि महज सांसद निधि को खर्च कर देना ही कोई बड़ी काबिलियत नहीं है, वो तो खुद अपने पैसे से हिसार की जनता की सेवा करते हैं। काम को ढूंढना पड़ेगा, दूरबीन देनी पड़ेगी उनको, मुझे तो काम कहीं दिखा को नहीं होता। MP लैड को अगर वो काम कहते हैं वो काम नहीं होता। MP लैड हर MP पब्लिक का टैक्स पेयर मनी से MP लैड दिया जाता है और वो हर MP लगाता है, कोई आसान की बात नहीं। पर्सनली हिसार में कोई बड़ा कारखाना लगाया हो, कोई हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी हमने बनाए, ऐसे कुछ काम क्यों समझ में आता है। मैंने अपने MP काल के अंदर लाखों रुपए के CCTV कैमरे अपनी जेब से लगाए, मैंने सब्जी मंडियों में शेड अपने पैसों से बनवाए, मैंने मैन होल अपने पैसों से किए, ऐसे बहुत काम ऐसे हैं, हियरिंग एड मशीनें करोड़ रुपए की अपने पैसों से NGO से मिलकर लगवाई, ऐसा कोई काम मुझे दुष्यंत बताए। चलिए, मौसम चुनावी है, ऐसे में नेताओं के दिल के ये उद्गार सुनना भी जरूरी है, क्योंकि सुनेंगे तो ही तो हम सही और गलत का फैसला कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़, हिसार।